इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद थाना क्षेत्र टूंडला के रूदो मुस्किल में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर एक मामला प्रकाश में आया है कि उपचुनाव को लेकर यहाँ के जो ग्रामीण बाशिंदे हैं वो वोटिंग नहीं कर रहे हैं। और सबसे मजे की बात है कि इस समय 11:30 बज चुका है और ईवीएम मशीन का खाता भी नहीं खुला है। और कहीं ना कहीं लोगों में रोष है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं ख़राब हैं। उन व्यवस्थाओं को लेकर यहां पर देखिए रोष जताया जा रहा है। आप देख सकते हैं जिस रास्ते पर खड़े हैं यहां पर किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं दिख रहा है। विकास के ना होने के चलते जो यहां के ग्रामीण बाशिंदे हैं काफ़ी परेशान हैं। आइए उन लोगों से बातचीत करेंगे कि कौन कौन सी सुविधाएँ हैं जो सरकार तो दे रही है परंतु भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से व प्रधान की वजह से इनको नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। दादा ये बताइए, आज जो उपचुनाव का जो माहौल है, प्रदेश में दो दो चार चार बार उप मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, बावजूद उसके आज ईवीएम का खाता भी नहीं खुला है, वजह क्या है? हमारे यहाँ विकास नहीं है सर। अच्छा, जब आप सभी लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप वोटिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर संबंधित अधिकारी को कभी अवगत नहीं कराया, ये आपका आरोप है? कराया था, खूब कराया। हमने कराया था, हाँ हमने सी डी ओ साहब को कंप्लेंट लिख के दी थी। दिखने और दिखाने लायक दिख रहा है और आपने गंभीर आरोप भी लगाया है कि मतलब बदहाली के लिए रो रहा है आपका ये रूधो मुस्लिम, ठीक है। कहीं ना कहीं खरंजे और अन्य सुविधाएं नहीं है, शौचालय नहीं है, बहन बेटियां कहाँ जाएं शौच के लिए? हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते सर। जी जी, आश्वासन दिया है ग्रामीणों को, ग्रामीणों को क्या कह रहे हैं? क्या मान रहे हैं ग्रामीण वोट देने जा रहे हैं? आपकी बात मान रहे हैं क्या, वोट करेंगे? मेरे ख्याल से तो वोट करना चाहिए। अभी तो मैडम वो ये कह रहे हैं हम वोट नहीं करेंगे। 1.5 साल पहले मैडम आपने ही यहाँ के प्रधान को अल्टीमेटम ये दिया था। जब मैंने यहाँ पे 1.5 साल पहले आई थी उसके बाद यहाँ पे 80 लाख रुपए का नाला बना है और उसके बाद रुदौम जो यहाँ पे आनंद नगर मजरा है वहाँ पे पूरी गलियाँ पक्की हुई है। यहाँ पे बीकनपुर जो पाइप पेयजल परियोजना है वो चल रही है, उसके हाउस होल्ड कनेक्शन दिए गए। तो ऐसा नहीं कि जब से मैं आई हूँ तब से यहाँ पे काम हुआ नहीं, काम हो रहा है और आगे भी। मैडम रीबोर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैडम उसको कौन लेगा? यहाँ का खारा पानी है लोग पीने के लिए। इट इज़ अ कम्बाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट कैन नॉट बी अ वन पर्सन ओनली, कि एक पर्सन रिबोर कराता जाए और बाकी बंदा उस पानी को वेस्ट करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट कॉमन पीपल, एवरीबडी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट वन पर्सन शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नमेंट, इज बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। दैट्स आई नो वेरी वेल, इट इज लोकतंत्र। Thank you.